और ये तो सबको इजी है, ये तो सबको पता ही है कि इधर और ये, चूंकि मैं निधर और इधर पढ़ा रही थी तो ये भी जरूरी है, इधर के साथ और लगता है, ये तो इजी है। निधर के साथ नॉर का यूज होता है, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो। इधर और का मतलब या तो ये या तो वो, निधर नॉर, ना तो ये ना तो वो, नॉट ओनली बट ऑल्सो, सिर्फ यही नहीं बल्कि ये भी। इससे रिलेटेड भी एरर आता है किसका, ठीक है, इधर वर्ड है, सब जगह इधर वर्ड लगा है और इधर प्रोनाउन होता है, और जब भी प्रोनाउन का एरर है इसका मतलब है कि सिंगुलर प्लूरल का एरर रहेगा, सब्जेक्ट वर्ब का एरर तो रहेगा। और दूसरा कंजंक्शन का भी रहता है, इधर के साथ और का यूज होता है, कभी कभी इधर के साथ नॉर लगा देंगे, गलत है। तो जहाँ भी इधर और निधर नॉर वाला सेंटेंस आएगा ये सब देख लेना, ठीक है। और आपने पढ़ा है कि जब भी सेंटेंस हमारा दो सब्जेक्ट इधर और निधर नॉर से जुड़ा है तो हमें कौन सा देखना है सब्जेक्ट, हमें कौन सा रूल फॉलो करना है, रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी। रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी, प्रॉक्सिमिटी का मतलब क्या होता है, चलो इसी बात पे वर्ड पावर हो जाए। प्रॉक्सिमिटी का मतलब क्या होता है, पढ़ाया है मैंने आपका, मैंने बेस बना के रखा हुआ है, बस आपको थोड़ा सा होन करना है, अपने आप को होन करना है, मतलब अपने आप को निखारना है, ठीक है, अपने आप को निखारना। चलो इसी बात पे, प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है बहुत पास, बताते जाइए, नियरनेस। और क्या क्या बताया, सीपीओ में क्या आया था पिछले साल के, इस बार नहीं, सीपीओ में ये आया था कंटीजुअस। कंटीजुअस का मतलब भी होता है बहुत पास, कॉन्टेक्चुअल, प्रोपेंक्विटी, ये सब पढ़ा दिया है ना, मतलब बहुत पास, स्मार्ट स्टडी कर रहे हैं, प्रोपेंक्विटी, यस, नियरनेस, नियरनेस, ओके। कंटेजियस से मत कंफ्यूज होना है, कंटेजियस मतलब वो बीमारी जो छुआ छूत से फैल जाता, कंटेजियस है, एडजेसेंट एंड ऑल। हाँ, तो जब भी सेंटेंस में इधर और निधर नॉर से जुड़ा है ना दो सब्जेक्ट, और हो सकता है कि एक सब्जेक्ट सिंगुलर हो दूसरा प्लूरल हो, तो आपको क्या करना है, आपको रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी फॉलो करना है, हमें वो सब्जेक्ट को देखना है जो वर्ब के नजदीक। ये सेंटेंस देखना, पहले तो मुझे बताओ कि क्या डिफरेंस है सूट और सूट्स में। यहाँ पे मैंने दो एरर रखा है समझाने के लिए, नीदर के साथ ना तो कलर ना तो क्लोथ्स का साइज उसको सूट कर रहा था, नीदर के साथ एक तो और नहीं लगता है, ठीक है, नीदर के साथ नॉर लग, दो एरर नहीं आएगा, ये तो मैंने समझाने के लिए रख। चलो बताओ आगे, आगे बताइए, सूट और सूट्स में क्या डिफरेंस है। सूट और सूट्स में ये वर्ब है, सूट भी वर्ब है, ठीक है, सूट भी वर्ब है और सूट्स भी वर्ब है। और आपने पढ़ा है कि वर्ब में एस लग गया सिंगुलर, ये याद रखना है कि नाउन में एस लगता है तो प्लूरल हो जाता है, वेन एवर वी एड एस टू अ वर्ब इट बिकम सिंगुलर और ये प्लूरल। और यहाँ पे दो सब्जेक्ट है, नीदर द कलर, एक सब्जेक्ट कलर है और एक साइज ऑफ द क्लोथ्स है। और हमें किसको देखना है, जब भी सेंटेंस नीदर नॉर से जुड़ा है ना तो वर्ब के नजदीक कौन सा सब्जेक्ट है, वर्ब के नजदीक कलर नहीं है, क्या है, चलो बताओ क्या होगा। मुझे पता था क्लोज वाला देखना है, नियरेस्ट नहीं देखना है, नियरर, नियरेस्ट तो दो से ज्यादा के लिए ना, बट यहाँ हम दो के बीच में कंपेयर कर रहे हैं, नियरर लिखो। कुछ सूट्स बोल रहे हैं, कुछ सूट बोल रहे हैं, यहाँ पे हमारे, हमें इसको देखना है। अब हमारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे ना, इतने सारे क्लोथ्स है, इतने सारे क्लोथ्स है, प्लूरल देख के प्लूरल लगा देंगे, बट आंसर सूट्स होगा, क्योंकि इस सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट क्लोथ्स है ही नहीं, मेन सब्जेक्ट है साइज, साइज, ये देखो द साइज ऑफ द क्लोथ्स, द साइज ऑफ द क्लोथ्स सूट या सूट, आपको आपको क्लोथ्स आपको सूट नहीं कर रहा, उसकी साइज की बात हो रही। इस सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट साइज है, बीच में प्रेपोजिशन आ गया, हम मेन सब्जेक्ट किसको मानते हैं जो प्रेपोजिशन से पहले है, और साइज है, साइज सिंगुलर है, इसलिए आप वर्ब भी सिंगुलर लगाओ, सिंगुलर, सिंगुलर, गलत हो गया। नेक्स्ट वाला देखो, नॉट ओनली राम बट ऑल्सो हिज फ्रेंड्स वॉज या वर प्रेजेंट। अगर हम राम क्या है, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो लगता है, राम क्या है सिंगुलर है और उसका फ्रेंड्स क्या है प्लूरल है। अगर हम फ्रेंड्स को देखते हैं तो वर लगेगा, राम को देखते हैं वॉज लगेगा, बट नॉट ओनली बट ऑल्सो में कौन सा रूल फॉलो करना है, प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी मतलब हमें वो सब्जेक्ट देखना है जो वर्ब के नज़दीक है, ये वर्ब है, वर्ब के नज़दीक राम नहीं है, वर्ब के नज़दीक फ्रेंड्स है, और फ्रेंड्स प्लूरल है, सो दिस वर्ब। और नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो आता भी, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो आता है। नेक्स्ट, और हाँ यहाँ भी मैं देखती हूँ कि स्टूडेंट्स का कन्फ्यूजन, उन्होंने पढ़ के रखा है कि नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो आता है, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है ना कि बट ऑल्सो एक साथ आएगा, कभी कभी हम बट ऑल्सो को ब्रेक भी कर सकते हैं। देखो नॉट ओनली राम, मैं बट ऑल्सो यहाँ भी लगाती वो भी सही होता। कई बार ऐसा सेंटेंस आया है ना, बच्चों ने इसको एरर मान लिया कि ऑल्सो तो यहाँ आ गया है, ऑल्सो तो बट के साथ लगना चाहिए, बट कभी कभी हम नॉट ओनली के साथ बट को स्प्लिट भी कर सकते हैं, ये भी करेक्ट है, इसको एरर मत मानना।
ओके, इसको एरर मत मानना, ठीक है? आई नॉट ओनली राम बट हिज फ्रेंड्स वर ऑल्सो प्रेजेंट. हम ऑल्सो को स्प्लिट भी कर सकते हैं, स्प्लिट भी कर सकते हैं, नो एरर. अब ये इसका मुझे बताओ, इसका आंसर मुझे चाहिए, क्योंकि कई बार मैं जब ये सेंटेंस देती हूँ रॉन्ग कर देते हैं, ये तो करेक्ट. इसका आंसर बताइए. नन आ रहा है. चलो, आई एम गिविंग यू टाइम, आंसर बताइए. क्योंकि मैं प्रैक्टिस बैच में देखती हूँ ना, प्रैक्टिस बैच में मुझे देखती हूँ कि कहाँ हमारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो रहे हैं सब. आई हैड माई टीथ रिमूव्ड, हैड पॉजिटिव वर्ब है, रिमूव्ड वी थ्री है, पैसिव में है. अच्छा, नो एरर है. नहीं, नो एरर तो बिल्कुल नहीं है, नो एरर बिल्कुल नहीं है. सी आई, ऐसा ड्रामा नहीं चलेगा, ये वाला ड्रामा नहीं चलेगा. ए बी सी, कौन सा वर्ड रॉन्ग है मुझे बताना. हाँ, जैसे अब तो चला गया ऊपर, नॉर भी आ रहा है, नॉर भी आ रहा है. ये एरर, ये जब क्वेश्चन आएगा ना, तो हमारे स्टूडेंट्स देखेंगे नीदर, और मैम ने तो पढ़ाया है कि नीदर के साथ नॉर का यूज़ होगा. ठीक है, नीदर के साथ नॉर का यूज़ तब होता है ना जब हम सेम चीज़ों को जोड़ते हैं. देखो, नीदर राम नॉर श्याम, जब सेम चीज़ के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, ना तो राम ना तो श्याम ना तो राम, अब क्या करोगे कि अब क्या करोगे ना, यहाँ नीदर देखोगे, यहाँ नीदर देखोगे और इसको आप नॉर करने की कोशिश करोगे कि नीदर के साथ तो नॉर आता है. एरर कहीं सी में करोगे, बट सी में एरर बिल्कुल भी नहीं, सी में एरर नहीं है. एक मिनट, मुझे आप बताओगे कि ये जो और है किसको जोड़ रहा है, क्या ये देखिए, नीदर द स्काउट लीडर्स. मैं नीदर के साथ नॉट तब लगाती ना, ऐसा रहता है, नीदर द स्काउट लीडर्स या नीदर द लीडर्स नॉर द मैनेजर, ऐसा कुछ लगा दिया. नीदर द लीडर्स नॉर द फॉलोअर्स, ना ही लीडर्स ने ना ही फॉलोअर्स ने. बट क्या यहाँ स्काउट लीडर्स का कंपैरिजन किसी से हो रहा है? यहाँ स्काउट लीडर का कंपैरिजन किसी से थोड़ी हो रहा है कि ना तो स्काउट लीडर ने ना ही फॉलोअर ने. तो यहाँ नीदर के साथ नॉर नहीं लगाना है, नॉर नहीं लगाना. आप मुझे बताओ कि ये जो और है ये किसको जोड़ रहा है, आप मुझे बताओ. ये जो और है ये सही है, और ये और कंजंक्शन है तो किसी चीज को जोड़ रहा होगा ना. किसको जोड़ रहा है ये, किसको जोड़ रहा है? हाउ टू ट्रैप एनिमल्स. जो स्काउट लीडर्स थे इन्हें नहीं पता था कि एनिमल्स को, वाइल्ड एनिमल्स को कैसे ट्रैप किया जाता है, या कैसे, हाउ टू प्रिपेयर देम, कैसे उन्हें माउंट के लिए तैयार किया जाता है. तो यहाँ कंपैरिजन स्काउट लीडर्स का नहीं हो रहा, यहाँ पे हो रहा है हाउ टू ट्रैप एनिमल्स और हाउ टू प्रिपेयर. तो यहाँ तो कंपैरिजन सही है, उसे उसे ना तो ये पता था ना तो ये पता था, यहाँ पे सही है. एरर ये जो और है ये अलग सा कंजंक्शन, ठीक है? ये देखो, कभी कभी और सेंटेंस में अकेला भी आता है, और कभी कभी सेंटेंस में इधर के साथ भी और आता है. इधर के साथ और आता है जब ना तो, या तो ये या तो वो, ठीक है? तो यहाँ जो और है ये अलग से आया है, और ये जो नीदर है ना, यहाँ पे नीदर कंजंक्शन का काम ही नहीं कर रहा. यहाँ जो हमारा नीदर के साथ नॉर है ही नहीं, यहाँ का नीदर हमारा सब्जेक्ट है. और अभी मैंने बताया कि नीदर सिंगुलर होता है, तो इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर आएगा, नोज होगा. ये क्वेश्चन मैंने जब तक, ये एग्जाम का ही क्वेश्चन है, और जब जब मैंने दिया है तो मैंने देखा है बच्चों को कि जैसे नीदर देखते हैं ना, नॉर लगा देते हैं. नोज होगा, नोज. हाँ, यहाँ जो और है ना वो नीदर को थोड़ी जोड़ रहा है. हाउ टू ट्रैप एनिमल्स और हाउ टू प्रिपेयर. यस.